हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2022 26 मार्च से शुरू हो रहा है और उद्घाटन मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना केकेआर के साथ होने वाला है। और बात करेंगे हम 27 मार्च को, तो यहां पर डबल हेडर मुकाबला होने वाला है, जहां दोपहर के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा, तो वहीं पर शाम के मुकाबले में पंजाब किंग्स रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से टकराएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाटा आईपीएल 2022 के दूसरे मुकाबले और 27 मार्च को होने वाले पहले मुकाबले का प्रीव्यू करने वाले हैं। ये मुकाबला खेला जाना है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच, और आज के इस वीडियो में हम इसी मुकाबले का प्रीव्यू करेंगे। बताएंगे आपको दोनों टीमें कौन सी प्लेइंग 11 के साथ जाने वाली हैं, इसके अलावा दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, मैच के दौरान किस कड़ी पर कौन सी टीम मजबूत और कौन सी कड़ी टीम कमज़ोर पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर मैच प्रीव्यू करते हुए वीडियो में हम मैच प्रेडिक्शन करने वाले हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त ये वीडियो है। वीडियो को बिना कहीं स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं तो चैनल के माध्यम से क्रिकेट संबंधी सारी छोटी बड़ी अपडेट आपको देने के साथ साथ सभी मैच की बेस्ट ड्रीम इलेवन टीम बिल्कुल फ्री में आपको दी जाती है। दोस्तों, आइए देखते हैं दोनों टीमें पहले कौन सी प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में उतरने वाली हैं। तो जहां पर मुंबई इंडियंस के पास रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन की ओपनिंग जोड़ी रहेगी, इसके बाद सूर्य कुमार यादव, अनमोल प्रीत सिंह, टीम डेविड, कायरन पोलार्ड, डेनियल सैम्स, मयंक मार्कंडे, बासिल थम्पी, जसप्रीत बुमराह और टाइमल मिल्स खेल सकते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिचेल मास, ऋषभ पंत, रोमन पावेल, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, चेतन साकरिया और मुस्तफिजुर रहमान की प्लेइंग 11 में जगह बन सकती है। दोस्तों, आइए अब हम मैच एनालिसिस करते हैं और दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का मैन टू मैन मार्किंग करते हुए आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि कौन सी टीम मजबूत है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाला है। तो जहां पर मुंबई इंडियंस के पास टॉप थ्री में रोहित शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के रूप में टॉप ऑर्डर है, तो दिल्ली कैपिटल्स की टॉप थ्री में पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श हैं। दोस्तों, मुंबई के तीनों ही खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं और तीनों ही खिलाड़ी एक लंबे समय से आईपीएल में बेहतर करते आ रहे हैं। रोहित शर्मा तो शानदार हिटमैन के रूप में जाना ही जाता है, इसके अलावा ईशानदार किशन और सूर्य कुमार यादव भी लगातार कंसिस्टेंटली बेहतर करते आते हैं आईपीएल में। तो वहीं पर बात करें दिल्ली के लिए, तो पृथ्वी शॉ हालांकि थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने साथी खिलाड़ियों ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव से जरूर पिछड़ गए हैं, लेकिन आईपीएल इनको कुछ ज़्यादा ही भाता है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो वहीं पर डेविड डायनामाइट वार्नर, जो पिछले साल तक सनराइजर हैदराबाद के साथ थे, काफ़ी कंसिस्टेंटली लगातार परफॉर्मेंस देते आते हैं, छोटा डायनामाइट काफ़ी ज़बरदस्त है। तो वहीं पर नंबर थ्री पे दिल्ली कैपिटल्स के लिए मिचेल मार्श हैं, जिनके पोटेंशियल में तो कोई कमी नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल प्लेयर हैं, लेकिन आईपीएल में इनको कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इंजरी का भी कभी कभी कंसर्न रहता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम थोड़ा सा मुंबई इंडियंस को बेहतर आंक सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो दोनों ही टीमों में दोस्तों मिडिल ऑर्डर में और फिनिशर के रूप में कई शानदार नाम है। तो जहां पर मुंबई इंडियंस के पास अनमोल प्रीत सिंह, टीम डेविड और कायरन पोलार्ड हैं, तो वहीं पर दिल्ली के पास हैं ऋषभ पंत, रोमन पावेल और अभिषेक शर्मा। दोस्तों, दोनों ही टीमों में एक एक कैरेबियन पावर है जो मिडिल ऑर्डर का शानदार फिनिशर है। दिल्ली के पास जहाँ पर रोमन पावेल हैं, तो वहीं पर पोलार्ड पावर मुंबई इंडियंस का एक लंबे समय से साथ देता आ रहा है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों अनमोल प्रीत सिंह मुंबई के लिए और अभिषेक शर्मा दिल्ली के लिए थोड़ा सा कमज़ोर कड़ी जरूर साबित हो सकते हैं, लेकिन बाकी के दो खिलाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। तो ऋषभ पंत की मौजूदगी में दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर दिख रही है, कारण साफ है, कायरन पोलार्ड काफ़ी बड़े हिटर होने के बावजूद थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट रहते हैं, लेकिन ऋषभ पंत उनकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया कंसिस्टेंटली खेलते आते हैं। इसके बाद दोस्तों, ऑलराउंडर की कड़ी में अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं मुंबई इंडियंस के पास पोलार्ड, टिम डेविड और डेनियल सैम्स के रूप में तीन बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। तो हम दिल्ली की बात करें तो यहां पर रोमन पावेल, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर के रूप में ऑलराउंडर हम आप देख सकते हैं।
दोस्तों केवल एक स्किल को अगर छोड़ दिया जाए, केवल बैटिंग या फिर केवल बॉलिंग को न देखते हुए अगर हम ऑलराउंडिंग स्किल देखें, मतलब दोनों स्किल में काम देखें, तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल थोड़ा सा बेहतर दिख रही है। खासकर अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर के रूप में दो ऐसे ऑलराउंडर हैं जो लगभग सभी मुकाबलों में बैट और बॉल दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन मुंबई के पास केवल डेनियल सैम्स ऐसे हैं जो लगातार गेंदबाजी करेंगे और हर मैच में अगर नंबर आता है तो बैटिंग भी करना पड़ेगा। अदरवाइज पोलार्ड और टिम डेविड ऐसे खिलाड़ी हैं, हालांकि बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाज हैं, लेकिन गेंदबाजी कितना करेंगे, किस मुकाबले में करेंगे, कहना मुश्किल होगा। तो यहां पर भी हम दिल्ली कैपिटल्स को थोड़ा सा बेहतर आंक सकते हैं। इसके बाद दोस्तों गेंदबाजी डिपार्टमेंट में बात करें तो दोनों ही टीमों में गेंदबाजों की क्वांटिटी काफी ज्यादा है और दोनों ही टीमों में इस प्लेइंग 11 के हिसाब से मात्र 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं और बाकी के 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो गेंदबाजी जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। जबकि मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के अलावा बाकी के 8 खिलाड़ी जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी करते हैं, तो दिल्ली के पास डेविड वार्नर, पृथ्वी शाह और ऋषभ पंत के अलावा बाकी के 8 खिलाड़ी गेंदबाजी करते हैं। क्वांटिटी में समान है और अगर हम क्वालिटी पर नजर डालें तो दोनों ही टीमों की गेंदबाजी स्किल में कहीं ना कहीं गिरावट आई है पिछले सीजन की तुलना में। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली कैपिटल्स में भी पिछले सीजन तक कागिसो रबाडा और अश्विन जैसे दो बेहतरीन क्वालिटी गेंदबाज थे, तो वहीं पर मुंबई इंडियंस के पास भी जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए ट्रेंट बोल्ट और राहुल चाहर की बढ़िया गेंदबाजी स्किल थी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर थोड़ा सा तो कम हुआ है, लेकिन मैन टू मैन मार्किंग करें तो जहाँ पर मुंबई इंडियंस के पास जसप्रीत बुमराह और टाइमल मिल्स ही दो ऐसे गेंदबाज हैं जिन पर ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखाएगी मुंबई इंडियंस, तो वहीं पर दिल्ली के लिए यहाँ पर नोटजे की कमी निश्चित तौर पर खलेगी और मुस्तफिजुर रहमान और चेतन साकरिया और साथ में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के अलावा अक्षर पटेल से भी अच्छी उम्मीद करेगी। तो यहाँ पर भी हम दिल्ली को ज़्यादा पॉइंट देना चाहेंगे। इसके अलावा कैप्टेंसी स्किल में बात करें तो रोहित शर्मा ऋषभ पंत से थोड़ा आगे दिखेंगे और कैप्टेंसी के मामले में हम थोड़ा सा मुंबई इंडियंस को बेहतर आंक सकते हैं। दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर यह मुकाबला काफ़ी कांटे का देखने को मिलेगा, लेकिन हमारी प्रिडिक्शन के अनुसार यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत दिख रही है और ये मुकाबला जीत सकती है। लेकिन साथ में दोस्तों ये भी आपको बताना चाहेंगे कि मुकाबला किसी एक खास दिन के खास खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर आधारित होता है। यहाँ पर पेपर वर्क बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, लेकिन पेपर वर्क की बात करें तो निश्चित तौर पर दिल्ली कैपिटल्स मुंबई के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा मजबूत लग रही है। आपको क्या लगता है, कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।